आज हम बात करेंगे खान पान से जुड़ी उन आदतों के बारे में जो कि आपकी किडनी को खराब करने में सबसे बड़ी विलन मानी जाती है। वो कौन कौन सी आदतें हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं। एक तरफ जहां गुड फूड हैबिट्स आपके शरीर को फायदा पहुंचाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बैड फूड हैबिट्स आपके शरीर को बीमार भी कर सकती हैं। आपका शरीर कितना हेल्दी होगा ये काफी हद तक आपकी फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए डॉक्टर्स द्वारा अक्सर ही एक अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करने की सलाह दी जाती है ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे और आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी कई लोग अपनी आदतों के इतने गुलाम होते हैं कि वो न चाहते हुए भी अपनी फूड हैबिट्स में काफी हार्मफुल चीजों को शामिल कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समय के साथ साथ उनका शरीर बीमार होने लगता है और उन्हें किडनी से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियों को फेस करना पड़ता है। बात अगर किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले फूड की करी जाए तो ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इन फूड में सोडियम का लेवल काफी ज्यादा होता है, जिसे खाने से ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है, और जब खून में लगातार ब्लड प्रेशर का लेवल बना रहता है तो इससे किडनी के फिल्टर भी प्रभावित होते रहते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोगों की किडनी पूरी तरह डैमेज भी हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो आपको मोमोज, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड जैसे आहार से दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही आपको खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत को भी दूर करना होगा। कुछ रिसर्च के माने तो अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन भी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, साथ ही चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है तो आपको इन सभी चीजों से दूरी बनानी चाहिए, साथ ही आपको अपनी डाइट में विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स को शामिल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।